हजार गांवों में हम पैदल चलकर गए हैं, जो हमने देखा उस पर मैं टिप्पणी करूं। उससे पहले मैं मधुबनी के बारे में दो चार बातें बताना चाहता हूं। मधुबनी बिहार का सातवां सबसे गरीब जिला है। देश में प्रति व्यक्ति आय है 1,35,000 रुपए, बिहार में प्रति व्यक्ति आय है 34,000 रुपए और मधुबनी में प्रति व्यक्ति आय है 22,000 रुपए। तो जब मधुबनी में आप आते हैं, कई लोग बताते हैं कि भैया ये विद्वानों की जमीन है। मैं गांव गांव में घूम कर कह रहा हूं कि ये विद्वानों की जमीन कभी थी, आज ये मजदूरों की, गरीबों की जमीन है। ये सबसे सातवां सबसे गरीब जिला है। यहां पर जो समस्याएं हैं वो अन्य जिलों के मुकाबले, खासकर पलायन और कृषि की उत्पादकता जो है वो बिहार में सबसे कम है। गेहूं प्रति एकड़ जो यहाँ पैदा होता है वो बिहार के जिलों के मुकाबले भी मधुबनी में सबसे कम है। मधुबनी की एक और विशेषता है, यहाँ पर सबसे ज्यादा जलकर है। 31,000 एकड़ जमीन यहाँ पर, जहां पर पानी है, ये मधुबनी की सबसे बड़ी ताकत है और यही सबसे बड़ी कमजोरी भी है। मधुबनी में कुल 2,23,000 हेक्टेयर जमीन है खेती योग्य, उसमें 31,000 एकड़ जमीन है जो जलकर है, और उस जलकर का यहाँ पर 85%, मतलब 31,000 एकड़ जो जमीन है उसमें 85% जमीन जहाँ पानी लगा हुआ है वहां पर कोई काम व्यवसायिक या आर्थिक उपयोग का में नहीं लाया जा रहा है। तो मधुबनी की परेशानी की, गरीबी का एक बड़ा कारण जल का उपयोग न होना, जलकरों का उपयोग न होना है, जो क्योंकि ये यहाँ की सबसे बड़ी ताकत है। जो आप मछली मखान की बात करते हैं वो उससे जुड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर पानी बहुत है, जलकर बहुत है, तालाब पोखरे बहुत है, लेकिन रख रखाव के अभाव में जब सब वो बर्बाद हो गया है। 85% जलकर बिल्कुल व्यवसायिक एक्सप्लॉयटेशन के काम में नहीं लाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ मधुबनी में एक जो और बड़ी समस्या है, जो बाढ़ और जल जमाव की, उसकी वजह से भी गरीबी यहाँ पर बहुत ज्यादा है।